नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स ड्रीम। आज की इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे सुजलोन स्टॉक के बारे में। चूंकि इस स्टॉक में देखेंगे तो नियर अराउंड 100% तक का गेन दिखा, इसके बाद इस स्टॉक में एक करेक्शन दिखी और एक मेजर सपोर्ट पे ट्रेड होते दिख रहा है। तो बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूजन इस समय ये चल रहे होंगे कि सर इस स्टॉक को होल्ड करें या एग्जिट कर दें, क्योंकि बड़े टारगेट्स हमने देखे। मेरे भी कुछ कॉन्टैक्ट के लोग हैं, वो 2840 के लेवल्स पूछ रहे थे कि क्या सर यहाँ तक आएगा या फिर ये एक ट्रैप है। तो सभी न्यूज़ या पॉइंट्स को डिस्कस करें से पहले आई होप कि चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है, दोस्तों के साथ शेयर करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहें तो अकाउंट ओपन करें अगर आपको एक्टिव ट्रेडिंग कम्युनिटी और लर्निंग ग्रुप में जुड़ना है। यहाँ देखेंगे तो 14 के आसपास का प्राइस ट्रेड कर रहा है, वीकनेस तो बिल्कुल नहीं दिख रही है अभी भी और कुछ न्यूज़ बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ देखेंगे सभी न्यूज़ कॉमनली न्यूज़ ही दिख रहा है। यहाँ देखेंगे विड्रॉल प्रॉफिट गाइडेंस, सीमेन एनर्जी फोकस, उसके बाद जो है सुजलोन और आइनॉक्स विंड को लेकर के यहाँ भी देखेंगे। तो यानी सभी न्यूज़ कॉमनली है, न्यूज़ कॉमनली इन द सेंस कि जो न्यूज़ प्राइस को इम्पैक्ट ना कर सके उस सभी न्यूज़ को मैं कॉमनली न्यूज़ ही कहता हूँ। यहाँ भी देखेंगे तो कुछ भी बड़ा न्यूज़ फाइंड आउट नहीं होगा। हालांकि डिलीवरी देखें तो थोड़ा डिलीवरी अभी भी जो है बेहतर ही दिख रहा है कंपेरेटिवली दूसरे स्टॉक के। देखेंगे 40% के आसपास का डिलीवरी इज़ नॉट बैड डिलीवरी, टेक्निकली वन साइडेड अप ट्रेंड रहा, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुई और अगेन ट्रेंड पॉजिटिव ट्रेंड में दिख रहा है। लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरा पास्ट का हमने अनुभव ले रखा है वहाँ से देखेंगे तो आपको अगर आप निवेशित हैं और भी बाइंग करना चाहते हैं तो 12 तक के लेवल तक के बाइंग के लिए आपके पास कैश होना चाहिए। मुझे लगता है कि सपोर्ट को एक बार ब्रिज कर सकता है, 12 तक के लेवल्स दिखेंगे। बात रही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का तो अभी भी मैं काफ़ी बुलिश हूँ। यहाँ से 16, 20, 28 और 35 ये चार टारगेट आपको नेक्स्ट 2 ईयर तक में दिख सकता है, लेकिन करेंट प्राइस पे ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। और अगर आप बाइंग करते भी हैं तो 13 के आसपास के नॉमिनल SL को ज़रूर फॉलो करेंगे, क्योंकि छोटे स्टॉक में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग 20 लाख 30 लाख शेयर ले करके चाहते हैं कि 1 रुपीज़ का भी प्रॉफिट आए तो बढ़िया प्रॉफिट है, तो ऐसे थोड़ा बचना चाहिए। वन साइडेड डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ थोड़ा सपोर्ट लिया और ये ब्रेक होगा तो 12 तक के लेवल्स दिखेंगे।